एवन पंजाबी निडर निरपक्ष नवी सोच मैं थोड़ा दोस्त सोम सहोता तो लैके हाजिर हाँ करंट इशू लिए चलते हैं जलंधर। दोस्तों अवैध शराब होवे और जो पुलिस नूं उसकी गुप्त सूचना मिलती है ज पुलिस की रोज़ाना की चैकअप के दौरान ये सारा कुछ पकड़िया जाता है तो उस वेला की हाल हुंदा उन्हां लोकां दा जिन्हां दे कोल सारा कुछ पकड़िया जाता है ये मेरे तो वध तुसीं जानदे हो। जलंधर पुलिस नूं भी मिली है बहुत वड्डी कामयाबी, 13 पेटियां उन्होंने अवैध शराब दियां मतलब पकड़िया ने और जिस कार दे विच लैके जा रहे सी उसनूं हाथ दे के रोकण दी भी कोशिश की लेकिन वह रोके नहीं। बाद विच किस तरह चढ़े पुलिस दे अड़िके पूरी जानकारी देने वास्ते मेरे नाल नरिंदर गुप्ता जी जलंधर तो जुड़ चुके ने, उन्हां तों अपडेट गुप्ता जी की अपडेट है इस खबर नूं लैके? हां जी बिल्कुल सोता जी, जलंधर के थाना भारगो कैंप पुलिस पुलिस ने 13 पेटी शराब जी अवैध बरामद की हैगी है और यह जी है भारगो कैंप पुलिस वालों की गई है। जो सा इस बारे SHO साहब ने गल की भगवंत सिंह जी नाल ते उन्होंने दसिया कि उन्होंने वाले एक नाका लगाया गया सी तारा सिंघिया रोड उत्ते जी गश्त दौरान जो चैकिंग वास्ते गड्डी नूं इशारा किया रोकने वास्ते तो गड्डी जी है रुकी नहीं और गड्डी जी अगे निकल गई। उस तो बाद उन्होंने जो पिछा किया पिछा करके जो पिछा करने तो बाद पुलिस ने जो गड्डी जाके रोकी तो वो 13 पेटी जी अवैध शराब बरामद की गई और जो अवैध शराब के नाल जो कार चालक और जी कार हैगी है वह भी अपने कब्जे चुनाव वालों लै ली गई है और पुलिस वालों हूँ जी है ये छानबीन की जा रही है भी ये जी शराब है कितों आई है और ये जरा नैटवर्क हैगा वा अपना कहड़ा मेन यदा जरा वा सरगना है वह हूँ पुलिस जी है जी है भाल कर रही हैगी है शराब को फड़न तो बाद जी है भाल कर रही हैगी है और उन्होंने जो SHO भगवंत सिंह है जे भारगो कैंप थाने के उन्होंने कहना कि जल्द ही जरा वा और इन्हों जे सरगना है वा जल्द ही गिरेबान तक जरा वा हाथ पाया जाएगा और जरा वा पूरा पर्दा जरा वा फाश किया जाएगा। लेकिन गुप्ता जी इस कार नूं कार दे विच सिर्फ इक्को ही शख्स सी जां होर भी सी कोई इन्हां दे नाल? बिल्कुल जी हाँ जी ये गल इतने दस लगे कि कार जो जो चालक से कार कला चालक जो है दीपक कुमार जरा कला से गड्डी चला रहा है और उसके खिलाफ जरा वा मामला दर्ज किया गया वा और उन्होंने जरा वा गिरफ्तार भी कर लिया गया वा और पुलिस उन्होंने जरा वा हूँ कोर्ट में पेश करके रिमांड लैके जे शराब कितों आ रही है कि शराब है वो बारे सारी पूछगिछ करेगी जी। गुप्ता जी बहुत बहुत मेहरबानी, तुम जानकारी दी है। दोस्तों एक बार फिर दसते हैं कि जलंधर पुलिस को वड्डी कामयाबी मिली है, 13 पेटियां नजायज़ जी शराब है अवैध शराब है उसनू पकड़िया, हालांकि रोकण की कोशिश पुलिस वालों की गई हाथ दिता गया पर उस शख्स ने रोकया नहीं लेकिन पुलिस ने पिछा करके उस शख्स नू समेत अवैध शराब दे पकड़ लिया है। इस संबंध में की गलबात हुई है तुसी सुन सकते हो। अज ASI ओम प्रकाश ने काला सिंघिया रोड उत्ते 93 अगस्त एक गड्डी जिहड़ी आ रोड सीगो उन्हों दी दिखाई दित्ती जिन्होंने रोकिया गड्डी जी उन्हें दौड़ाने की कोशिश की पर कर्मचारियों की मदद ना गड्डी रोके तो जो चेक किया गड्डी के जड़िया वक् वक् मार के दियाँ कुल 13 पेटियां जड़िया शराब जड़िया बरामद हुई और जड़ा ये दोषी आ ये दीपक कुमार जड़ा वे जो फड़िया गया ये मौके पर काबू कर लिया तो ये खिलाफ़ अभी जरा मुकदमा जरा दर्ज कर लिया और हम अभी वेख रहे हैं कि अगे ये कितों शराब जी लैके आता किड़े ठेके तो लिया ज किसी होर कोई किसी फैक्ट्री तो कितों चकदा वो तक अं पहुँच करा तो कोई पहला मुकदमा है जी ये असी कर रहे हैं क्योंकि ये जरा बस्ती दानचमंद का रहने वाला इस करके असी संबंधित थाने तो ये बारे पता कर रहे हैं रिकॉर्ड का कि पहला तपस्या का दिखाया जाने है। ऐसी हुण तक की अपडेट नवीं ताज़ा खबरों लिए जुड़े रहो एवन पंजाबी TV दे नाल। मैं अपने ये मोढ़िया ते गोढ़िया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जे तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस नूं इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक दे इलाज कर सकता है, फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।